सो गाइज वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैदा के कुलचे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो समथिंग मैदा और मैंने लिए बॉयल किए हुए आलू और दूध लिया है जो इंस्टेंट मैं दही बनाऊंगी। और ले लेंगे एक कप गुनगुना दूध, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। और इस दूध में डालेंगे, एक कटोरी में पलट लेंगे और पलटने के बाद लेंगे विनेगर। और विनेगर से आप फटाफट इंस्टेंट दही बना सकते हैं और इस तरीके से आप परफेक्ट, आपको बगैर दही के आप नान बना सकते हैं या कुलचे बना सकते हैं। इस तरीके से आप इंस्टेंट और दही बनकर तैयार हो गया है और परफेक्ट दही फट गया है। इस तरीके से छेना बनकर तैयार हो गया है। चलिए लीजिए मैदा मैंने ले लिया। मैदे में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, चीनी 1 टीस्पून और डालेंगे सोडा, खाने वाला आप चाहें तो इनो ले सकते हैं। और इसमें ऑयल 2-5 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी है। और मीठा सोडा आप थोड़ा सा ले सकते हैं। और जो मैंने इंस्टेंट दही बनाया है उससे डो को तैयार कर लेंगे। तो डो तैयार आप परफेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो डो में परफेक्ट इंस्टेंट दही नहीं हो पा रहा है तो आप अगर दही थोड़ा सा और है तो डाल सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। वरना आप थोड़ा पानी लगाकर इस तरीके से डो परफेक्ट तैयार कर लीजिए, जैसे पराठे का डो तैयार करते हैं। इसी तरीके से आप पराठे जैसा डो सॉफ्ट बना सकते हैं। और बनाने के बाद इसको रख देंगे ढककर समथिंग 15 मिनट के लिए, जब तक कि ये रखा हुआ है तब तक आलू बॉयल किए हुए हैं जो कद्दूकस से। इस तरीके से सारे आलू कद्दूकस कर लेंगे। और लीजिए कद्दूकस कर लिया, इसमें डालेंगे नमक, दही, धनिया और लाल मिर्च पाउडर, और चाहे तो आप विनेगर थोड़ा सा डाल सकते हैं इसमें, नहीं तो आप जो पाउडर डाल दीजिए जो भी अवेलेबल आपके पास हो। इस तरीके से आप अंदर का जो मसालेदार भरता है इस तरीके से आप भरता बना सकते हैं। परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। और इसमें हल्का सा गरम मसाला भी डाला है, हींग डाली है। और ले लीजिए डो मैंने अच्छे से तैयार जो किया था, इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगा कर और इसको अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है और ये फूल गया है, फूले फूले बनेंगे अब ये कुलचे, तो ये सॉफ्ट भी हो गया है। और सूखा मैदा रख लेंगे, बेलने में आसानी होगी। डो परफेक्ट तैयार हो गया है। आलू का भरता लीजिए, मैं बनाऊंगी तवे पर, मैंने गाय के लिए बनाई है छोटा सा कुलचा। और अपने चका बेला ले लेंगे, चका बेला में एक आलू के बराबर की लोई, जो पराठा बनाते हैं उस टाइप की लोई तोड़ लेंगे। और इस तरीके से चके पे रख लेंगे, सूखा मैदा डालेंगे और इसी तरीके से थोड़ा बेलने के बाद मोमोज की तरीके इसमें जैसे आलू की कचौड़ी भरते हैं इस तरीके से गोल गोल करके भर लेंगे। और इस तरीके जो भी शेप देना चाहें आप कुलचे का, लंबा या गोल, जो भी शेप देना चाहें वो इस तरीके से आप बेल सकते हैं। फटाफट बेलने के बाद मैंने थोड़े से लंबाई आकार में, अंडे आकार में बेला है। और इस तरीके से थोड़ा सा गोल लीजिए, कुलचा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब कुलचे में चिपकाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लगाएंगे और पानी लगाकर इसमें लगाएंगे काला तिल और हरा धनिया। और इस तरीके से कुलचा आपका परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़े से काले तिल और लगाने के बाद इस तरीके से हथेली से थपा देंगे, परफेक्ट कुलचा बेल गया है। अब गर्म तवे में डाल देंगे, तवे की गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे और फिर बाद में लो फ्लेम पर कर देंगे। इसमें डालेंगे घी, इधर पलटेंगे और इधर भी पलटेंगे थोड़ा सा घी लगाकर। इस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये फूल गया है, फूले फूले कुलचे बनकर तैयार हो गए। और इस तरीके से परफेक्ट सिक गया है। आप सर्व कर सकते हैं, छोले के साथ खाइएगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने छोले बनाए थे, तो छोले की वीडियो मैंने नहीं डाली, अगर आपको चाहिए तो मैं डाल दूँगी दोबारा से। इस तरीके से आप छोला के साथ खाइएगा कुलचे। और कुलचे बन गए हैं, दूसरी तरीके से मैं कुलचा बनाकर दिखा रही हूँ। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, तो इस तरीके से आप नान बना सकते हैं। तो मैंने इसमें घी लगाया है और लगाने के बाद इसको लंबे आकार में बेल देंगे, चाहे तो गोल शेप में बेल लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से बेलने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, काले तिल इस तरीके से चिपका देंगे। इस तरीके से आप नान बना सकते हैं। तो तवा ऑलरेडी गर्म है और इसमें ऑयल में नहीं लगाया है तवे में, तो इस तरीके से आप सूखा बना सकते हैं और ऊपर से देसी घी लगाकर खाइएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है कुलचा। इस तरीके से आप गैस बना सकते हैं और थोड़ा सा घी लगाया है दोनों तरफ बराबर मात्रा में, और इस तरीके से चारों तरफ दबा कर कुलचा परफेक्ट बना सकते हैं। और सब चूँकि मैदे का है इसलिए थोड़ा सा लो फ्लेम पर ही सेकना पड़ेगा, नहीं तो ये कच्चा होगा तो पेट में दर्द होगा और नुकसान करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट कुलचे बनकर तैयार हो गए, तो इतने फूले फूले बने हैं और इतने सॉफ्ट लग रहे हैं, कुछ कहने के नहीं कि आप सब खाएंगे तो बताएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगा, ऐसा आप कौन सी जगह से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस गुजिया। गुजिया बनाने के लिए 1 किलो मैंने खोया लिया है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जगन्नाथ जी की पूजा में भी गुजिया बना सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस खोया को इस तरीके से जब ले लेंगे तब आपको इसको कढ़ाई रखेंगे गैस के ऊपर और खोया को गुलाबी हल्का ब्राउन फ्राई कर लेंगे। तो इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना है, बस लो फ्लेम पर करना है। इस तरीके से खोए को फोड़ देना है और फोड़ने के बाद इसको कचली से इसको अच्छे से चलाना है। और चलाने के बाद जब इसको चलाएंगे तो इसकी जो गुठलियाँ जो हैं आपस में जो मिक्स हो जाएंगी और ये पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद एक सा मिक्स हो जाएगा। और जहाँ पर आपको गुठली दिखे वहाँ पर आप इस तरीके से करछली से इस तरीके से फोड़ दीजिए। तो सारा खोया इस तरीके से फोड़ सकते हैं। तो गैस को लो फ्लेम पर ही रखा है और इस तरीके से खोए को चलाते रहेंगे और इसको गुलाबी गुलाबी फ्राई कर लेंगे। और इसमें ऑलरेडी घी रहता है और घी क्वान्टिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आता है। अच्छी क्वालिटी का अगर खोया होगा तो उसमें घी ज़्यादा निकलेगा।
तो अगर आप देख सकते हैं इसमें घी है, लेकिन इतना नहीं है कि ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हो। अगर आपकी खोया में ज़्यादा घी है तो घी को थोड़ा सा निकाल लीजिए, नहीं तो आपका खोया थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि गुलाबी हो चुका है, इस तरीके से अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसको चलाते रहेंगे, चलाने के बाद ये बहुत जल्दी गुलाबी हो जाता है। और गैस को लो फ्लेम पर रखना है और इसको रख देंगे पंखे की हवा में और ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के लिए गैस गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें कढ़ाई ही पंखे के नीचे रख देंगे। तो लीजिए, मैंने पंखे के नीचे अब इसको रख देंगे। तो ये ऑलरेडी अच्छे से फ्राई गुलाबी हो गया है। अब लेंगे गुजिया के लिए मैदा, जो मैंने मैदा लिया है 1.25 किलो, तो 1.25 किलो मैदा लिया है। और गुजिया में थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है, मोटी लेयर की थोड़ी सी बेली जाती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है, इसमें ऑयल की क्वांटिटी डालेंगे, जो मैंने 1/4 कटोरी डाला है, फिर आधी कटोरी ऐड किया है। तो इस तरीके से ज़्यादा मोर नहीं डालना है, ना ज़्यादा कम डालना है। क्वांटिटी आप देख सकते हैं, इस तरीके से परफेक्ट गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद खोया तो ठंडा हो रहा है और इस तरीके से इसका डो तैयार कर लेंगे। तो डो गाइस उसी तरीके से तैयार करना है जिससे पराठे का डो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और पूरी का थोड़ा सा टाइट होता है। तो मटरी बनाते हैं, तो मटरी के लिए जैसे मैदा गूंथते हैं वैसा ही गूंदेंगे और इसको सारी मैदा इस तरीके से गूंथ लेंगे और थोड़ी सी निकाल लेंगे और उसमें डाल देंगे पानी, ताकि पतला घोल बना लेंगे और इसमें गुजिया लगाने के लिए आसानी से आप बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने डो तैयार कर लिया है, तो परफेक्ट डो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो इसके लीजिए मैंने इसको ढक के रख देती हूँ, और ढक के रखने के बाद इसमें उंगली लगा देती हूँ। उंगली लगाने से क्या रहता है गाइस, ये जो होता है पिंडी टाइप का नहीं होता है, इसलिए उंगली लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से जब आटा माड़िएगा तो आप इस नेक्स्ट स्टेप को याद रखिएगा कि आप हाथों से उंगलियां ज़रूर बना दीजिएगा। तो गाइस हाथों में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसको चारों तरफ लगाकर रख दिया है, और मैंने ही पतला घोल कटोरी में बनाकर तैयार किया है। तो इसको भी अलग रख देंगे और इसको 1 घंटे के बाद इसके मैदा को फिर से गूंदेंगे। तो गाइस 1 घंटा हो गया है, इस तरीके से रख दिया है। अब लेंगे, मैंने लिया है चीनी, आप चाहें तो बूरा ले सकते हैं। तो चीनी और इलायची, और इलायची को डाल देंगे मिक्सर जार में और चीनी को ग्राइंड कर लेंगे, तो आसानी से ग्राइंड हो जाता है। अगर आपके पास बूरा है तो बाहर से बूरा भी ला सकते हैं, अगर नहीं है तो चीनी को इस तरीके से पीस सकते हैं। तो मैंने 1/2 किलो समथिंग पीस लिया है, अब क्वांटिटी के अनुसार ही डालना है। तो गैस इस तरीके से महीन पीस जाता है चीनी, और जार को आप तुरंत धो के रखिएगा, नहीं तो आपका जार ख़राब हो जाएगा और ये चिपक गया। तो इसको डाल देती हूँ पानी के अंदर, और इस तरीके से चीनी परफेक्ट हो चुकी है और खोया भी ठंडा हो चुका है। तो गैस खोया जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो एक बड़े परात में निकाल लेंगे। इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। अब इस तरीके से दोनों हथेलियों की सहायता से इसको मैश करेंगे। तो इस तरीके से जब मिक्स करेंगे तो इसमें जो लम्स होते हैं, जो गुठलियाँ होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से दोनों हथेलियों की सहायता से इस तरीके से मसलते हुए खोया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए मिक्स हो गया है, अब खोया को एक किनारे कर देंगे। जितना खोया है उतनी ही आपको चीनी डालनी है, तो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा मैंने पीस ली है, थोड़ी सी कम डालेंगे इसमें। तो इस तरीके से मैंने खोए से थोड़ी सी ज़्यादा ही बूरा लिया है, दोनों को मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें चिरौंजी, इलायची, इस तो ऑलरेडी डाल ही चुकी हूँ, किसमिस, अगर चाहें तो गरी का बुरादा नहीं डालिएगा, क्योंकि गुजिया जो है ख़राब हो जाती है। आपको लंबे समय तक खाना है तो गरी का बुरादा यूज़ नहीं कीजिएगा, और तुरंत खानी है तो आप गरी का बुरादा भी डाल सकते हैं। तो उस गरी का बुरादे की जो होती है गुजिया, आपको 8 दिन के अंदर ही ख़त्म करनी होगी, और इसको आप 10 दिन तक रख के खा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने मावा अंदर मसाला भरने के लिए तैयार कर लिया है, तो इसको रख देंगे किनारे। अब बनाएंगे गुजिया के लिए मैंने साँचा लिया है, तो इस तरीके से चाहे तो आप गोल ले सकते हैं, चाहे तो गुजिया का साँचा जो होता है इस तरीके से बाज़ार में मिल जाता है आसानी से। तो लीजिए गुजिया बनाने के लिए मैंने इस तरीके से लोई ले ली है, लोई को इस तरीके से बेलेंगे, और बेलने के बाद इसको बड़ा ही बेलना है, क्योंकि आगे की जो पूड़ी होती है वो कट जाती है। तो इस तरीके से पूड़ियाँ जो मैंने बेल ली हैं, बेलने के बाद मैंने लिया साँचा, और साँचे को इसके ऊपर रखेंगे गुजिया के ऊपर। पूड़ी बेली हुई और चारों तरफ जो मैंने घोल तैयार किया था वो इस तरीके से लगा देंगे, और घोल लगाने से क्या रहता है कि गैस गुजिया फटती नहीं है और इसकी जो चिपचिपाहट से खुलती नहीं है, और आपका घी ख़राब नहीं होगा, और गुजिया आपकी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो लीजिए गुजिया बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से आप गैस गुजिया बना सकते हैं, और मैंने हाथ से भी गूंथ के आपको दिखाई थी गुजिया, हाथ से भी आप गूंथ सकते हैं। जो मैंने गुड़ सॉर्ट की गुजिया बनाई थी तो उसमें मैंने हाथ से गूंथ के दिखाया था, आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से गुजिया आप सारी बना सकते हैं। आपको गुजिया बनाने की ट्रिक कैसी लगी, आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं। इस तरीके से रख लेंगे लंबी पूड़ी बेल कर, और मैदे का गोल जो मैंने बनाया है तो फुरैरी से आप लगा सकते हैं। फुरैरी मैंने यूज़ नहीं किया है गाइस, उसमें रुई होती है, तो रुई के अगर रेसे आ जाते हैं तो बहुत ही नुकसान करते हैं। तो आप उंगली से ही लगाइएगा, और
वर्ट्स इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वर्ट्स लगाने से क्या रहता है, रुई की लेयर वो जो रेसे होते हैं वो लग जाते हैं। तो मैंने उंगली से ही लगाया है और इस तरीके से गुचिया मैंने सारी बनाकर तैयार कर ली है। और बनाने के बाद गुचिया को ढक के रखना है, आपको कंबल में या चादरे में इस तरीके से ढक दी हैं सारी गुचियाँ। और मैंने एक एक थाली करके निकालेंगे और इसको पूड़ी के तरीके तलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ से भी गूंद के बनाई है गुजिया, और इस तरीके से हाथ से गूंद सकते हैं। और गैस को ऑन करेंगे और उसमें रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, ऑयल क्वांटिटी ठीक परफेक्ट होनी चाहिए। और पास में रख देंगे पानी का लोटा या गिलास में पानी, ताकि ऑयल आपका कम लगेगा। तो आप छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो दादी नानी के ज़माने से जो करते हैं त्यौहार में, या पूड़ी चढ़ाते हैं या पूड़ी बनाते हैं, तो पास में पानी भरकर रख लेते हैं। तो एक एक करके सारी गुजिया इस तरीके से डाल देंगे, और डालने के बाद इसको अपने आप ही ऑलरेडी पलट जाती है। अगर नहीं पलटती है तो आप इसको करछली से बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीरे से आप इसको पलटिएगा, और पलटने के बाद इसको दबा दीजिएगा कोई करछली पौनिया जो होती है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके भी आप तल सकते हैं, और मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है। तो इस तरीके से गुजिया ऑलरेडी ज़्यादा है, इसलिए मैं फटाफट गुजिया तलूँगी। और इस तरीके से इसको एक तरफ सेकने के बाद इसको गैस को मैंने हाई फ्लेम पर रखा है, और इस तरीके से पलटते रहेंगे। तो इस तरीके से गैस आप जगन्नाथ जी के प्रसाद में आप गुजिया बना सकते हैं, और होली पर भी आप इस तरीके से गुजिया बना सकते हैं, जो कि ऑलरेडी इस तरीके से परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हो गई है। और आप सभी लोग होली पर गुजिया खाइएगा, अगर चाहे तो आप होली के बाद भी अगर मन चलता है तो इस तरीके से आप गुजिया बना सकते हैं। तो इस तरीके से गुजिया परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है, दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो गई है, गुलाबी गुलाबी मैंने इस तरीके से बनाई है। थोड़ा सा कच्चा अगर मैदा रह जाता है तो नुकसान करता है, तो गाइस इसको गुलाबी ही फ्राई करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये गुजिया ऑलरेडी मेरी फूट चुकी थी, तो इसलिए थोड़ा सा घी ख़राब हो गया है। अगर आपका घी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो इस तरीके से सारी गुजिया आप निकाल लीजिए, और निकालने के बाद जो ऊपर की तरफ जो खोया फूट कर गुजिया बिखर जाती है, तो उसमें से इस तरीके से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको फेंक देंगे। फिर से आप चाहे तो छन्नी से छान सकते हैं। इस तरीके से मैंने ऊपर का सब निकाल दिया है जो मावा फैल गया था, और गुजिया इसी तरीके से तल लेंगे। तो इसी तरीके से सारी गुजिया मैंने लीजिए फ्राई कर ले रही हूँ, और एक एक करके डालेंगे। और ये वाली गुजिया देखो आप देख सकते हैं कि नहीं फटी हुई है, क्योंकि अच्छे से अगर आप नहीं दबाएंगे तो गुजिया फट जाएंगी और आपका घी भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करछली से फिर निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फट गई तो क्या करेंगे, घी को इस तरीके से मावा जो है ऊपर से निकाल दिया था। तो आप दूसरी इसी तरीके से सारी गुजिया फ्राई कर लेंगे, और ये बनकर तैयार हो गई हैं। आपको गुजिया की रेसिपी कैसी लगी, आप कौन से शहर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। और आपको मेरी गुजिया की रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। आपकी सहायता से आप मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया है, बस जो मेरे पास सिल्वर बटन आएगा वो भी मैं आपको कमेंट में वीडियो अलग से बना कर दूंगी। इस तरीके से बनकर गुजिया तैयार हो गई हैं, और आप बताइएगा गुजिया मेरी कैसी बनी है कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि में आप इस तरीके से पकौड़ी बना सकते हैं सिंघाड़े के आटे की। तो गाइस मैंने सिंघाड़े का आटा एक कटोरी लिया है, और बॉयल किए हुए आलू 5 लिए हैं, इस तरीके से मैंने छीन लिए हैं। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, और बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। तो गाइस ये सिंघाड़े का आटा है, इसको ऑलरेडी मैंने छान लिया था छन्नी से, और छानने के बाद इसको इस तरीके से कटोरी एक छोटे से परात पर ले लेंगे, या कोई थाली में इस तरीके से ले लेंगे। इसमें चाहे तो आप बारीक कटे हुए हरा धनिया, हरी मिर्च डाल सकते हैं। आलू को इस तरीके से फोड़ लेंगे, अच्छे से कोई मैश कर लेना है इसके दोनों हाथों से, आप मैश कर लीजिए, ये एक हाथ से मैश कर लीजिए, इस तरीके से मिक्स कर लिया है, अच्छे से फोल्ड लेंगे ताकि इसमें गुठली ना रहे, इस तरीके से। जो कि इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार जो लूंगी, वो व्रत के लिए सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक इसलिए क्योंकि सुपना प्रातः में सेंधा नमक अगर आप ले लेते हैं तो आप सेंधा नमक डालकर खा सकते हैं। अगर आपको सेंधा नमक नहीं लेते हैं आप, तो आप लेकर से फीकी भी बना सकते हैं व्रत में। इस तरीके से आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, या चटनी के साथ, जो भी अगर आप नमक नहीं लेते हैं। तो मैं गाइस सेंधा नमक के बना रही हूँ पकौड़े। तो गाइस सेंधा नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, तो इसमें स्वाद अनुसार डाल देंगे। तो गाइस मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर, चाहे तो आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं, और हरा धनिया अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। मैंने कहा सारा धनिया नहीं डाल रही हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लेंगे।
फ्रीज वाला नहीं लेना है ना ही गर्म लेना है। बस इसमें थोड़ा थोड़ा वक्त से पानी डालना है और इस वक्त घोल तैयार कर लेंगे, जैसे आप बेसन की पकौड़ी बनाते हैं उसी तरीके से घोल तैयार कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इसमें और इसका घोल अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो इसकी गाइस पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, सिंगाड़े के आटे की, और चाहे तो कुट्टू के आटे की बना सकते हैं। कुट्टू की आटा भी इसी तरीके का होता है। इस तरीके से घोल तैयार कर लिया है। पानी की क्वांटिटी थोड़ी कमी रखनी है, ऑलरेडी पानी गीला हो जाता है ये। अब इस तरीके से तैयार हो गया ये घोल। चलते हैं गैस की तरफ और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इस तरीके से आप बैटर तैयार कर सकते हैं सिंगाड़े के आटे का और बनाएंगे पकौड़ी। और थोड़े थोड़े से जो मैंने आलू रखे हैं इस तरीके से थोड़े से छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल मैश नहीं करना है ना ही कद्दूकस करना है, बस इस तरीके से घोल तैयार कर लेना है। तो ये पकौड़ी के लिए घोल परफेक्ट तैयार हो गया है। गैस को ऑन करेंगे, रखेंगे कढ़ाई। सो गैस कढ़ाइया गर्म हो चुकी है, इसमें डालेंगे ऑयल, आलू को गर्म करेंगे। अब जो मैंने बैटर तैयार किया था इसको अच्छे से फेंट लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको बैटर अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो जितना पतला ही ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे बैटर, उतनी ही पकौड़ी आपकी सॉफ्ट बनेंगी। इस तरीके से अब ये बैटर बहुत हल्का हो गया है, अब इस तरीके से पकौड़ी डालेंगे। इस तरीके से ऑयल गर्म हो गया है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पतला बैटर बना लिया है, जैसे आप बेसन की पकौड़े बनाते हैं इसी तरीके से। तो ये गया कढ़ाई में, इस तरीके से थोड़े से मैं बड़े बना रही हूँ गाइस, पकौड़े बना रही हूँ, सिंगाड़े के आटे के पकौड़े। आप चाहें तो छोटी छोटी पकौड़ी भी बना सकते हैं इस तरीके से। जितनी जगह हो तो सब में इस तरीके से पकौड़ी बना देंगे। अब गैस को मैंने हाई फ्लेम पर रख दिया है। तो चलिए ये पकौड़ी बनी, परफेक्ट बन रही है। अब जब ये सिक जाएगी बाद में ही इसको पलटना है। सो गाइस इस तरीके से मैंने डाल दिए हैं। अब कचली ले लेंगे या इस तरीके से कटली ले लेंगे, या करछी से डायरेक्ट नहीं अभी करेंगे और पलटेंगे। मैंने कांटा ले लिया है और इस कांटे से तरीके से पलट देंगे पकौड़ियों को। जैसे ये सिकेंगी वैसे ये पलटने लगेगी। गैस को लो फ्लेम पर कर दिया। जब ये सिकने लगेगी तो इस तरीके से सारी पकौड़ियों को पलट देंगे बहुत ही आहिस्ते से, ताकि पकौड़ी फूटे नहीं। इस तरीके से सारी पकौड़ियों को पलट देंगे। इस तरीके से गाइस सारी पकौड़ियों को पलट दिया है। और पलटने के बाद इधर भी सेक लेंगे, इस तरीके से उधर से की थी पलट के, और पलटने के बाद इधर भी सेक लेंगे। और इस तरीके से पकौड़े आप फटाफट बना सकते हैं और ब्रेथ में खाइएगा। तो गाइस आपको पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा पूरे और सॉफ्ट बनते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पकौड़ी कितनी बढ़िया बनी है। अब मैंने गैस को लो फ्लेम पर कर दिया है, इसको लो फ्लेम पर चलेंगे। ये बनकर तैयार हो गई है, इसको सर्व कर लेते हैं और बना लेते हैं चटनी सेंधे नमक की। चटनी की वीडियो मैंने कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि मैंने चटनी की रेसिपी डाली है सेंधे नमक की, जैसे चटनी बनाते हैं बस आपको नमक जो है सेंधा नमक डालना है। धनिया मिर्चा की चटनी चटपटी आप बना सकते हैं। और इस तरीके से चटनी भी मैंने तैयार कर ली है। सर्व कर लेते हैं। सुबह चटनी बनाने के लिए मैंने
मिक्सी के जार में डाली है बॉयल की हुई खड़ी खटाई जो इस तरीके से होती है, उसको मैंने गर्म कर लिया था और बॉयल कर लिया अच्छे से। सॉफ्ट जब हो जाती है तो चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मैंने डाला सेंधा नमक और मैंने डाली है 2 सूखी हुई लाल मिर्च और इसमें डालेंगे तला हुआ धनिया। और इसको मिक्सी में थोड़ा सा डालेंगे पानी और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये फटाफट चटनी आप सेंधा नमक की आप बना सकते हैं। सो गाइस चटनी बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से आप चटनी बना सकते हैं और व्रत में आप चटनी भी खा सकते हैं। मिर्च जो है जो मैंने मिर्च की क्वांटिटी 2 मिर्च डाली है बस, हरी मिर्च या आप डाल सकते हैं या सूखी हुई। तो गाइस मैंने सूखी डाल दी और इस तरीके से आप बना सकते हैं चटनी। तो गाइस चटनी आप इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़िया चटपटी बनकर तैयार हुई है। तो मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप गाइस चटनी बना सकते हैं। तो गाइस आपको चटनी की रेसिपी कैसी लगी और व्रत में आप खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अगर आप देख रहे हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो गाइस आपको चटनी की वीडियो कैसी लगी। तो गाइस पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं, सिंगाड़े के और आलू के पकौड़े, सिंगाड़े के आटे और आलू के पकौड़े इस तरीके से आप बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो इसके अंदर ऐसे खमीर जैसा हो जाता है बिल्कुल। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है पकौड़ी। एक एक पकौड़ी आप उठाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से पकौड़ी मेरी बनी है, कितनी सॉफ्ट बनी है। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं और खाइएगा चटनी के साथ गर्मा गर्म सिंगाड़े के आटे के पकौड़े। तो गाइस आपको रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और माता रानी को भोग लगा कर ही खाइएगा। तो गाइस मैं जा रही हूँ माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, कौन से शहर से देख रहे हो मैंने आपको बताया था, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा। आपके सहयोग से ही मेरे यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है और आगे आप इसी कृपा से मैं बढ़ूंगी। और इस तरीके से ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की।